अस्सलाम वालेकुम, हम सीख रहे हैं इंग्लिश और जर्मन स्टेप बाय स्टेप बेसिक से। इंतहाई आसान तरीके से लेसन नंबर है 207। हम सीख रहे हैं क्लोथिंग, तो चलते हैं देखते हैं क्या लेसन है आज। डी टाशे, डी टाशे इसके माने होते हैं थैला, इंग्लिश में बोलेंगे द बैग, थैला। आगे बढ़ते हैं। डी क्लाइडोंग इज़ गुड, डी क्लाइडोंग इज़ गुड इसके माने होते हैं कपड़े अच्छे हैं, कपड़े अच्छे हैं या क्लोथिंग अच्छी है, इंग्लिश में किस तरह हम बोलेंगे। द क्लोथ्स आर गुड, कपड़े अच्छे हैं। आगे बढ़ते हैं। हाउ डू यू से क्लोथ, क्लोथ्स, क्लोथ्स को आप कैसे कहते हैं, क्लोथ्स के माने होते हैं कपड़े, तो क्लोथ्स को हम जर्मन में क्या बोलेंगे। क्लाइडोंग, क्लाइडोंग। आगे बढ़ते हैं। डी याके इज़ आउस अउरोपा, डी याके इस्ट आउस अउरोपा इसके माने होते हैं जैकेट यूरोपियन है या जैकेट यूरोप की है, इंग्लिश में किस तरह बोला जाएगा जुमले को। द जैकेट इज फ्रॉम यूरोप, जैकेट यूरोप की है। आगे बढ़ते हैं। Es gibt einen Mantel, Es gibt einen Mantel इसके माने होते हैं वहाँ एक कोट है, इंग्लिश में बोलेंगे। देयर इज वन कोट, वहाँ एक कोट है। आगे बढ़ते हैं। डी क्लाइडोंग इज़ गुड, पहले इसको तरतीब से लिखते हैं। डी क्लाइडोंग इज़ गुड, डी क्लाइडोंग इज़ गुड इसके माने होते हैं कपड़े अच्छे हैं, इंग्लिश में बोलेंगे द क्लोथ्स आर गुड। आगे बढ़ते हैं। Sie haben Hemden, Sie haben Hemden इसके माने होते हैं उनके पास कमीज़ें हैं, उनके पास कमीज़ें, इंग्लिश में बोलेंगे They have shirts, उनके पास कमीज़ें हैं। आगे बढ़ते हैं। Ihr habt Hosen, Ihr habt Hosen इनके पास इसके माने होते हैं आपके पास पेंटे हैं, आपके पास पेंटे हैं, इंग्लिश में बोलेंगे You have pants, आपके पास पेंटे हैं। आगे बढ़ते हैं। Die Hose ist kaputt, Die Hose ist kaputt इसके माने होते हैं पेंटे फट गई हैं, पेंटे फट गई हैं, इंग्लिश में किस तरह बोलेंगे इस जुमले को। द पेंट्स आर टॉर्न, पेंटे फट गई हैं। आगे बढ़ते हैं। Sieben Hosen und Hemden, Sieben Hosen und Hemden इसके माने होते हैं सात पेंटे और कमीज़ें, सात पेंटे और कमीज़ें, इंग्लिश में किस तरह बोलेंगे। एक्सक्यूज मी, सेवन ट्राउजर्स एंड शर्ट्स, सात पेंटे और कमीज़ें। आगे बढ़ते हैं। द बैग इसके माने होता है थैला, तो द बैग को हम जर्मन में क्या बोलेंगे, सही ट्रांसलेशन है ये वाली डी टाशे, द बैग। आगे बढ़ते हैं। पेयर मैच करते हैं, वर्क के माने होता है काम, तो जर्मन में बोलेंगे आर्बाइट, जर्मन को क्या बोलते हैं जर्मन में डॉयच, गिटार को क्या बोलेंगे जर्मन में गिटारे, राउंड के माने होते हैं गोल, तो गोल को जर्मन में क्या बोलेंगे रुंड, बैग के माने होता है थैला, तो थैले को जर्मन में क्या बोलेंगे टाशे, टाशे। दे हैव शर्ट्स इसके माने होते हैं उनके पास कमीज़ें हैं, इसी जुमले को किस तरह बोला जाएगा जर्मन में, सही ट्रांसलेशन है ये वाली जी हैमन हैमडन, उनके पास कमीज़ें हैं, दे हैव शर्ट्स। आगे बढ़ते हैं। पेयर मैच करते हैं, केट के माने होता है बिल्ली, तो बिल्ली को हम जर्मन में बोलेंगे कैटसे, जैकेट को क्या बोलते हैं जर्मन में याके, टेन के माने होता है दस्त, तो दस्त को हम जर्मन में क्या बोलेंगे ज़ेन, ज़ेन। यंग के माने होते हैं जवान, तो जवान को हम जर्मन में क्या बोलेंगे यंग, टेबल माने मेज, तो मेज को हम क्या बोलेंगे जर्मन में टिश। आगे बढ़ते हैं। Er trägt einen Mantel, Er trägt einen Mantel इसके माने होते हैं उसने एक
कोट पहना हुआ है, उसने एक कोट पहना हुआ है, इंग्लिश में किस तरह बोलेंगे? He is wearing a coat. उसने एक कोट पहना हुआ है. Airtight and an mantle. आगे बढ़ते. The jacket is old. इसके माने होते हैं जैकेट पुरानी है. इस जुमले को किस तरह बोलेंगे हम जर्मन में? दा को क्या बोलेंगे? Die. जैकेट, जैकेट को? Jacke. इसको? Ist. Old को? Alt. Die Jacke ist alt. जैकेट पुरानी है. द जैकेट इज ओल्ड. आगे बढ़ते हैं. ही इज वेयरिंग अ कोट. इसके माने होते हैं वो एक, उसने एक कोट पहना हुआ है. उसने एक कोट पहना हुआ है. इसे जुमले को किस तरह बोला जाएगा जर्मन में? ही को क्या बोलेंगे? इज वेयरिंग को क्या बोलेंगे? ट्रेक्ट. आ को क्या बोलेंगे? आइनन. कोट को? मांटल. एयर टैक्ट एनन मेंटल. उसने एक कोट पहना हुआ है. ही इज वेयरिंग अ कोट. तो ये तो था आज का लेसन. अगले लेसन में फिर मिलते हैं. तब तक के लिए अल्लाह हाफिज.